हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावेश सर एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म एमईटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग एंड अ डिस्क फॉर द डिफरेंट केसेस। ओके, सो यू ऑल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल एमईटी क्लासेस। सो हियर ऑन अवर चैनल यू विल गेट ऑल लेक्चर्स फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स फॉर क्लासेस 9, 10, 11 एंड 12, ऑल्सो फॉर नीट एंड जेई एग्जाम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सो हियर अवर टॉपिक इज टू डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर रिंग। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर रिंग। सो यू विल टेक द डिफरेंट केसेस। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर रिंग। Now the first case is, so first case I am taking, first case is about an axis passing through, about an axis passing through center of ring. Okay, passing through center of ring. Center of ring and center of ring and perpendicular to plane of ring. Okay, perpendicular to plane of ring. Okay, so this is the first case which we will discuss. So here we are determining the moment of inertia of a ring about an axis passing through center of ring and perpendicular to plane of ring. Okay, so let's see here first diagram. So let's understand this diagram. So this is a ring. एक रिंग लेते हैं हम इस तरह से, ठीक है, और इस रिंग का ही हो गया सेंटर, ठीक है। तो हमें एक एक्सिस बनानी है जो कि इसके सेंटर से पास हो, ठीक है। हमें क्या बनाना है, एक एक्सिस बनानी है जो कि इसके सेंटर से पास हो और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो हम इस तरह से एक एक्सिस बनाते हैं, ये एक्सिस हुई हमारी। सो दिस इज अ एक्सिस। ओके, सो दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ रिंग। ओके, रिंग के जो है सेंटर से पास हो रही है। ये सेंटर ले लेते हैं हम, मान लो सेंटर को सी से डिनोट कर देते हैं। सो सी इज अ सेंटर ऑफ दिस रिंग। तो सेंटर से पास हो रही है और जो प्लेन है रिंग का उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इस रिंग इस एक्सिस को हम मार्क कर देते हैं वाई वाई डैश। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ कुछ पैरा कुछ ले लेते हैं, क्वांटिटीज ले लेते हैं। जैसे कि हम लेते हैं कि कैपिटल एम लेते हैं सबसे पहले क्वांटिटी। कैपिटल एम जो है वो है मास ऑफ अ रिंग, मास ऑफ अ रिंग, ठीक है। सो दिस इज मास ऑफ अ रिंग। एल ले लेते हैं हम, L इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ अ रिंग, लेंथ ऑफ अ रिंग, ठीक है। और R ले लेते हैं यहाँ पर, R इज इक्वल टू हमारे पास है रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है। कैपिटल R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ रिंग। ओके, रेडियस ऑफ रिंग। अगर R रेडियस ऑफ रिंग है तो हम ये कह सकते हैं कि L की वैल्यू जो है, L की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी, जो कि क्या होगी, 2 पाई आर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने में हम क्या करते हैं कि जो भी आपको एलिमेंट ये दिया हुआ है, जो भी ज्योमेट्रिकल आप शेप ले रहे हो, ठीक है, उसका आप में क्या लेना है, एक छोटा सा एलिमेंट लेना है पहले। जैसे यहाँ पर एल क्या है, हमारा लेंथ ऑफ अ रिंग है, तो एल लेंथ की ये रिंग है आपकी, ठीक है। तो इसमें हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे ये हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ये एक स्मॉल एलिमेंट लिया है। तो टोटल लेंथ जो है वो रिंग की वो क्या, एल है। तो हमने यहाँ पर dx, हमने क्या करा, dx लेंथ का एक रिंग ले लिया। अब जो dx लेंथ का जो स्मॉल एलिमेंट लिया है रिंग में से, आपने जो dx लेंथ का स्मॉल एलिमेंट लिया है उसका हम मास मान लेते हैं कि उसका मास कितना है, dm। मास कितना है उसका, dm। तो हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, ये dm मास पहले कैलकुलेट करेंगे। और dm मास कैलकुलेट करने के बाद, क्योंकि आप वाई वाई डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला आपको याद है, क्या होता है, मास इंटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है क्या है, ये तो रेडियस है आर,
तो आर का स्क्वायर कर देंगे और डीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस स्मॉल एलिमेंट का जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अबाउट वाई वाई डैश। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो फर्स्ट टास्क है हमारा यहाँ पर, सबसे पहला टास्क है कि ये डीएम जो है ये मास निकालना, ये जो स्मॉल एलिमेंट आपने लिया है डीएक्स लेंथ का उसका मास निकालना है हमें। तो देखो बहुत इजी है, बहुत इजी मेथड है कि एल लेंथ की जो रिंग है हम ये लिखते हैं कि मास मास ऑफ एल लेंथ रिंग, मास ऑफ एल लेंथ रिंग। तो एल लेंथ की जो रिंग है उसका मास आपको दिया हुआ है, आपने कितना लिया एम। ठीक है, तो यूनिट लेंथ की जो रिंग होगी, एल लेंथ की जो रिंग है उसका तो मास कितना एम है, तो यूनिट लेंथ की जो रिंग होगी उसका मास कितना होगा एम बाय एल हो जाएगा। तो हम यहाँ करें कि मास ऑफ डीएक्स लेंथ रिंग, डीएक्स लेंथ रिंग। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है ये कितना हो। तो आपको समझ में आया एल लेंथ की जो रिंग है उसका मास एम है, तो यूनिट लेंथ की जो रिंग होगी उसका मास कितना होगा, उसका मास एम बाय एल होगा। तो डीएक्स लेंथ की जो रिंग है उसका मास कितना होगा, तो एम बाय एल इंटू डीएक्स होगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, ये जो क्वांटिटी है हमारे पास क्या आ गया डीएम। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि डीएम इज इक्वल टू, डीएम हमें कितना मिला एम बाय एल और डीएक्स, एम बाय एल डीएक्स, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वाई वाई डैश। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करते हैं। देखो हम यहाँ लिखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ऑफ स्मॉल एलिमेंट डीएक्स, ओके, ऑफ स्मॉल एलिमेंट डीएक्स अबाउट अबाउट एक्सिस, जो एक्सिस जो कौन सी अपने पास वाई वाई डैश, अबाउट एक्सिस वाई वाई डैश। तो स्मॉल एलिमेंट है तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, डी लगा देता हूँ, डी आई वाई वाई डैश। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला क्या है, मास इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो मास तो हमने निकाल लिया डीएम, और यह इस एक्सिस से इस स्मॉल एलिमेंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है आर, तो आर का हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डीएम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर डीएम हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, डीएम की वैल्यू हमें मालूम है, डीएम की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ से, डीएम इज इक्वल टू है एम बाय एल डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं एम बाय एल डी एक्स। ठीक है, तो ये डीएम की वैल्यू हमने लिखी, और यहाँ पर ये कितना आ गया आर स्क्वायर आ गया। तो ये तो स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट अबाउट एक्सिस वाई वाई डैश। ठीक है, अगर हमें इस पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस वाई वाई डैश, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। और इंटीग्रेशन किससे करेंगे, या तो पूरा जीरो से लेकर एल तक कर दो इसकी लेंथ का, या ये सर्क्यूमफ्रेंस है। ठीक है, तो सर्क्यूमफ्रेंस के लिए कर देते हैं जीरो टू टू पाई आर। ठीक है ना, समझ में आई बात आपको। तो यहाँ हम वैल्यू रखते हैं कि भाई हम सबसे पहले लिख देते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होल रिंग। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होल रिंग अबाउट अबाउट एक्सिस, अबाउट एक्सिस वाई वाई डैश। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आई वाई वाई डैश, यानी इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन करके इसको तो आई वाई वाई डैश लिख दिया। अब यहाँ हम रखेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ रखेंगे एम, और डिवाइड बाय एल की वैल्यू आप रख दो टू पाई आर। एल क्या है, इसका सर्कमफ्रेंस है, तो ये टू पाई आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका डी एक्स आ गया, और बाहर इधर क्या था आपके पास आर स्क्वायर था। अब लिमिट आपको लगाने, तो लिमिट कैसे लगाओगे, सर्कमफ्रेंस के लिए लगाओ जीरो टू टू पाई आर, तो ये पूरी रिंग आ जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ कैंसिल आउट करो, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करो, देखो एम, ठीक है, एम डिवाइड बाय टू पाई, एम डिवाइड बाय टू पाई, तो ये बाहर आ जाएगा आपके इंटीग्रेशन के। और अब आपको इंटीग्रेशन करना है जीरो टू टू पाई आर। ठीक है, और ये आर जो है ये भी कॉन्स्टेंट है, आर भी बाहर आ जाएगा, तो एम आर बाय टू पाई तो बाहर आ गया आपके पास। ठीक है, और अंदर आपके पास बचा वन डॉट डी एक्स। ठीक है, तो इसका आपको इंटीग्रेशन करना है वन डॉट डी एक्स का, तो वन डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं देखो आप। ठीक है, वन डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, वन सेकेंड, ये आ जाएगा आई वाई वाई डैश। ओके,
ये आएगा पास आई वाई वाई डैश, आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू एम आर डिवाइड बाय 2 पाई। ठीक है, अब वन डॉट डी एक्स का जो होगा इंटीग्रेशन वो होगा एक्स, फिर आपको रखनी है लोअर लिमिट और ये आ जाएगी अपर लिमिट, 0 to 2 पाई आर, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ठीक है, तो आप रखो आप सबसे पहले एम आर डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी है आपकी 2 पाई आर, लोअर लिमिट कितनी है 0। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आएगा एम आर डिवाइड बाय 2 पाई इंटू, यहाँ से आया आपके पास 2 पाई आर, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दो, तो यहाँ से आपके पास आई वाई वाई डैश जो आएगा, आई वाई वाई डैश कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। फिर जो डिफरेंट डिफरेंट जो केसेस हैं वो अपन डिस्कस करते जाएंगे, पर ये हमारे पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप यहाँ से देखें पीछे से, ये हमने क्या कौन सी एक्सिस ली थी, ये एक्सिस ली थी जो कि इसके सेंटर से पास हो रही है, रिंग के सेंटर से पास हो रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब और केसेस डिस्कस करते हैं इसके, हम एक सेकेंड केस लेते हैं। जैसे आप देखें ये हमने फर्स्ट केस लिया था, ठीक है, अब हम यहाँ लेते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या लेते हैं, जैसे ये रिंग है हमारी, ठीक है, हमें इस रिंग के जो प्लेन के परपेंडिकुलर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है इस तरह से, इस प्लेन, ये जो इसका प्लेन है, इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर एक टेंजेंट ड्रॉ करा हमने, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करा। ठीक है, इस टेंजेंट का नाम देते हैं पी क्यू। तो अब इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हमारा टॉपिक ये बनेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ अ रिंग, प्लेन ऑफ अ रिंग। ठीक है, हमने टेंजेंट ड्रॉ करा है और वो टेंजेंट जो है आपका इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये तो इसका सेंटर हो गया जो कि सी है। हम क्या करेंगे, एक एक्सिस बनाते हैं जो कि इसके पैरेलल हो, तो हमने ये एक्सिस बनाई जो कि इसके पैरेलल है। ठीक है, ये एक्सिस बनाई, ठीक है, तो ये एक्सिस जो है आपकी, ये एक्सिस जो है पैरेलल है किसके, पी क्यू के पैरेलल है। ठीक है, इस ये एक्सिस हमारी क्या है, वाई वाई जो हमने मानी थी, वाई वाई डैश, ये आपका सेंटर हो गया सी। अब इनके बीच की जो है डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस होगी, जो कि आपने क्या मानी है आर। ठीक है, ये क्या मानी है हमने, रेडियस आर, तो हम यहाँ पर रेडियस लिख देते हैं आर। तो अब पी क्यू के अबाउट आपको निकालना है इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये दो एक्सिस है हमारे पास, एक एक्सिस तो रिंग के सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, और एक एक्सिस जो है इसके पैरेलल है जो कि टेंजेंट है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, हम यहाँ पर लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सो बाय पैरेलल पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सबसे पहले मैं आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम बता देता हूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में मान लो कोई भी एक्सिस है, जैसे यहाँ पर अपनी पी क्यू एक्सिस है, तो हम क्या लिखेंगे, आई पी क्यू। ठीक है, तो इस पी क्यू के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके पैरेलल एक्सिस जो कि इसके सेंटर से जा रही हो, रिंग के सेंटर से, तो रिंग के सेंटर से पी क्यू के पैरेलल जो एक्सिस जा रही है वो क्या हो गई आपकी, वाई वाई हो गई, तो ये आई वाई वाई डैश हो जाएगी, प्लस इस रिंग का मास ले लेंगे, तो रिंग का मास हो गया एम, फिर स्क्वायर करेंगे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी अपन ने, आई पी क्यू इज इक्वल टू आई वाई वाई डैश प्लस एम आर स्क्वायर। अब आई वाई वाई डैश तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, आई वाई वाई डैश कितना कैलकुलेट किया हुआ है अपन ने, एम आर स्क्वायर कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पर आई वाई वाई डैश की वैल्यू रख देते हैं अपन एम आर स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ये कितना है एम आर स्क्वायर है, तो यहाँ से आपका आंसर कितना बन जाएगा, 2 एम आर स्क्वायर। तो ये जो है जो टेंजेंट है, और वो टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रिंग का, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास कितना जाएगा, 2 एम आर स्क्वायर। तो हम इसको कर देते हैं बी, सेकेंड अपन ने निकाल लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फिर और केस डिस्कस करते हैं, तीसरा केस लेते हैं इसमें, थर्ड केस। अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अबाउट डायामीटर। ठीक है, डायामीटर ऑफ आ रिंग,
तो अब रिंग के डायमीटर के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखो हम वापस से वही करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले रिंग बना लेते हैं, ये आपने रिंग बनाई, ठीक है, ये रिंग का सेंटर हो गया, ठीक है, और सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो ये एक्सिस बना ली, और ये एक्सिस क्या है आपके पास, वाई वाई डैश है, तो ये वाई वाई डैश हो गई। अब इसके डायमेट्रिकल एक्सिस बनाए जाए, जैसे दो डायमीटर बनाए जाए, तो ये डायमीटर, एक डायमीटर ये बनाया आपने, ठीक है, एक डायमीटर तो ये हो गया, एक डायमीटर ये बना दिया आपने, ठीक है। तो डायमीटर के अबाउट में ही अज्यूम कर लेता हूँ कि अबाउट डायमीटर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कितना है, आई डी है, ठीक है। आई डी मीन्स क्या, आई डी मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। तो आप ध्यान से देखें कि ये जो दो एक्सिस हैं, ये तो इसकी रिंग की प्लेन में है, ये जो दो एक्सिस बनाई हुई है डायमीटर वाली, ये तो इसकी रिंग की प्लेन में है, और जो तीसरी एक्सिस है वाई वाई डैश, वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ रिंग, इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रिंग का, आई वाई वाई डैश, वो क्या होता है, सम के बराबर होता है उन दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो कि इसके प्लेन में है। तो इसके प्लेन में जो एक्सिसेस हैं उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उनके सम के बराबर होगा। तो यानी कि हम ये कर दें कि भाई आई डी प्लस आई डी, ठीक है, आई डी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट डायमीटर, ठीक है। तो ये आई डी प्लस आई डी कितना जाएगा आपका, टू आई डी हो जाएगा। यहाँ से आपको आई डी निकालना है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, आई वाई वाई डैश एंड डिवाइड बाई टू आ जाएगा। तो इसको थोड़ा और सोल्व कर लो, तो अबाउट डायमीटर कितना आ जाएगा आपके पास, आई वाई वाई डैश कितना है, आई वाई वाई डैश हमने सॉल्व किया हुआ है, देखो आप यहाँ से आई वाई वाई डैश कितना है, एम आर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू। तो अबाउट डायामीटर जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा रिंग का, एम आर स्क्वायर बाय टू होता है, ये अपने पास तीसरा इसका केस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट केस और सॉल्व करते हैं हम इसमें, फोर्थ। तो फोर्थ हम लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अ टेंजेंट, अबाउट अ टेंजेंट, अबाउट अ टेंजेंट इन अ प्लेन ऑफ अ रिंग, इन अ प्लेन ऑफ अ रिंग, ओके। तो ये रिंग वापस से अपन पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपन ना, जैसे आपने ये रिंग बनाई, ठीक है, ये रिंग बन गई। अब हमें बनाना है इसका टेंजेंट, इसके प्लेन में बनाना है, पर इस बार पहले तो आपने क्या बनाया था, परपेंडिकुलर बनाया था, इसमें हमें इसके प्लेन में बनाना है। तो जैसे इसके प्लेन में ये बनाया आपने, इसको टच करता हुआ इस तरह से एक टेंजेंट बना दिया आपने, तो ये टेंजेंट बनाया, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं आर एस। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अपन को। तो क्या करो, इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस बनाओ जो कि इसके सेंटर से होके जाए। तो इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस बनाई हमने जो कि रिंग के सेंटर से होके जा रही है, सेंटर हो गया सी। तो अब आप ध्यान से देखें तो ये डायमेट्रिकल एक्सिस हो गई इसकी, क्या हो गई है, डायमेट्रिकल एक्सिस हो गई, और डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना अज्यूम करा था अपन ने, आई डी, ठीक है। और यहाँ से जो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, रेडियस के बराबर हो जाएगी, ठीक है, बात समझ में आई। ये जो आर एस है, ये आर एस जो है वो टेंजेंट है इस रिंग के प्लेन में, इस रिंग के प्लेन में अपन ने टेंजेंट बनाया आर एस, ठीक है, इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमने क्या करा, एक एक्सिस बनाई जो कि इस आर एस के पैरेलल हो और इसके सेंटर से होके जाए, तो हमने ये एक्सिस बना ली। तो आप देखोगे ये एक्सिस क्या है, तो डायमेट्रिकल एक्सिस है, तो ये आई डी हो गया, इसको आई डी माना है अपने डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो अब हमें दो एक्सिस मिल गए जो एक दूसरे के पैरेलल है, उनके बीच की डिस्टेंस भी है, और उनमें से एक एक्सिस जो है वो रिंग के सेंटर से भी होके जा रही है। तो यहाँ पर जो है पूरी पॉसिबिलिटी है कि अपन क्या लगाएं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं। तो हम यह लिखते हैं कि बाय बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम लिखेंगे भाई आई आर एस, ठीक है, तो आई आर एस इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका आई डी और प्लस मास ऑफ अ रिंग और इनके बीच की डिस्टेंस एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब आई डी तो आपने अभी निकाला ही है, देखो डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट क्या है, एम आर स्क्वायर बाई टू,
तो यहाँ पर हम लिख देंगे एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और प्लस यहाँ जाएगा एम आर स्क्वायर, ठीक है। इनको सम कर लो आप तो कितना जाएगा आपके पास, 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आर एस। तो ये केसेस हैं, तो ये आपको इन केसेस को तो आप एटलीस्ट लर्न कर लें कि किस तरह से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी इक्वेशन आ जाएगी, ये डी पार्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिंग के सारे केसेस सॉल्व करने हैं। हमने कौन कौन से केस डिस्कस करे, इसमें सबसे पहले निकाला है हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, ठीक है। तो इसके लिए हमने सॉल्व करा और आंसर हमारा आया यहाँ से एम आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमने सॉल्व करा था टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन वाला जो टेंजेंट है, तो उसके लिए आया 2 mr². उसके बाद डायमीटर के लिए निकाला एम आर स्क्वायर बाई 2, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और फिर हमने एक टेंजेंट ली जो कि इन द प्लेन ऑफ अ रिंग है, तो उसके लिए हमारा आया 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमें रिंग के लिए सॉल्व करना है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एक और लेते हैं अब डिस्क के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, ठीक है। और इसमें भी जो हम पहला केस ले रहे हैं, फर्स्ट केस ले रहे हैं, अबाउट सेम केसेस हैं, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू डिस्क प्लेन, ओके, परपेंडिकुलर टू डिस्क प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। उस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो एक्सिस क्या है, इसके प्लेन के तो परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। तो अभी हम डिस्क बनाते हैं। सबसे पहले तो हम पहले देख लें कि क्या होगा केस में। तो रिंग और डिस्क में डिफरेंस है, डिस्क के अंदर क्या होगा, एरिया होगा, ठीक है। तो हमने डिस्क बनाई इस तरह से, थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं हम पहले पूरा। तो ये हमारी बनी डिस्क, ठीक है, ये हो गई डिस्क। अब ये डिस्क का सेंटर ले लिया, वही सी, तो सी डिस्क का सेंटर हो गया। अब हमें बनानी है इसकी एक्सिस, जिस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अपन को। तो ये एक्सिस ले लेते हैं अपन, ये एक्सिस आ गई, ठीक है। और इस एक्सिस को भी अपन कर देते हैं वाई वाई डैश। तो इस वाई वाई डैश के अबाउट हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि भाई इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि मास ऑफ अ डिस्क ले लेते हैं हम, ठीक है। तो लेट मास ऑफ अ डिस्क, मास ऑफ अ डिस्क, तो मास ऑफ अ डिस्क ले लेते हैं वापस से कैपिटल एम, ठीक है। रेडियस ऑफ डिस्क ले लेते हैं, रेडियस ऑफ अ डिस्क, तो रेडियस ऑफ अ डिस्क आ जाएगी आपके पास कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ से अपन निकाल लेते हैं एरिया ऑफ डिस्क, तो एरिया ऑफ डिस्क आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें पहले हम ले लेते हैं कि मास ऑफ डिस्क हो गया कैपिटल एम, रेडियस ऑफ डिस्क हो गया कैपिटल आर, और एरिया ऑफ डिस्क कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक एलिमेंटल रिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने, क्योंकि ये डिस्क क्या है, हम ये मान सकते हैं कि रिंग जो ये डिस्क है इस तरह की रिंग्स से मिलकर बनी हुई है। तो हमने एक एलिमेंटल रिंग ले ली, ठीक है। अब इस एलिमेंटल जो रिंग है, इस एलिमेंटल रिंग की जो डिस्टेंस है, इससे वाई वाई डैश से या सेंटर से कह सकते हैं, यह है एक्स। तो ये जो एलिमेंटल रिंग ली है, इस एलिमेंटल रिंग की रेडियस तो कितनी हो गई एक्स, और इस एलिमेंटल रिंग की जो थिकनेस है, ठीक है, ये एलिमेंटल रिंग बनाई हमने, और इस एलिमेंटल रिंग की जो थिकनेस है वो कितनी है डीएक्स, ठीक है। तो हमने क्या करा, ध्यान से समझना कि जो ये डिस्क जो बनी हुई है, ये डिस्क जो है वो नंबर ऑफ रिंग्स से मिलकर बनी हुई है। तो ऐसी ही एक रिंग ली हमने, उस रिंग की रेडियस जो है वो एक्स है और उसकी थिकनेस कितनी है डीएक्स है। तो हमें करना क्या है, जैसे हमने वहाँ पहले मास निकाला था, जो एलिमेंट हमने लिया था उसका मास निकाला था, ऐसे ही हमने ये एलिमेंटल रिंग ली है, इस एलिमेंटल रिंग का हमको क्या निकालना है, मास निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ डिस्क
ऑफ एरिया, मास ऑफ डिस्क ऑफ एरिया पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एम। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एरिया की जो डिस्क है उसका मास कितना एम है, तो यूनिट एरिया की जो डिस्क होगी, यूनिट एरिया की जो डिस्क होगी उसका मास कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, एम डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर होगा। समझ में आ रही है बात? पाई आर स्क्वायर एरिया की जो डिस्क है उसका मास कितना एम है, तो यूनिट एरिया की जो डिस्क होगी उसका मास कितना का, एम अपन पाई आर स्क्वायर होगा। तो हमारी जो रिंग है, ठीक है, जो हमारी रिंग है, तो हम ये लिखते हैं कि मास ऑफ अ रिंग, मास ऑफ अ रिंग ऑफ एरिया, ऑफ एरिया 2π x dx। ठीक है, 2π x तो इसका सर्कमफ्रेंस हो गया और थिकनेस हो गई dx। ठीक है, तो 2π x dx, तो इसके लिए कितना जाएगा, m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 2π x dx। ठीक है, इस तरह से ही आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आ गया dm, तो dm इज इक्वल टू कितना आ गया, इससे पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो dm इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2m 2m। ठीक है, 2m एंड डिवाइड बाय, ये आ गया आपका 2m एंड डिवाइड बाय यहाँ से आर स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया x dx। तो ये हम एक इक्वेशन कर देते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया मास। अब हम इसका, ये जो रिंग बनाई है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं वाई वाई डैश के अबाउट, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस रिंग का मास। तो इस रिंग का मास तो क्या, dm, और इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एक्स, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं इसका, हम लिखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ एलिमेंटल रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग अबाउट वाई वाई डैश। ठीक है, तो इसको लिखते हैं डी आई वाई वाई डैश। तो डी आई वाई वाई डैश क्या होगा, मास हो गया डीएम, और जो डिस्टेंस का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। देखो आप यहाँ से, मास तो डीएम हो गया और डिस्टेंस कितनी है इसकी यहाँ से यहाँ तक, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हम निकालते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होल डिस्क अबाउट अबाउट एक्सिस वाई वाई डैश। ठीक है, तो क्या करें, इंटीग्रेशन कर दें, तो हम लिख देते हैं आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम और एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप रखें, देखो इसको वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे आप, देखो, तो अगर आप देखो इस एक्स की वैल्यू वेरी कैसे करें, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 0 से लेके इसकी रेडियस यहाँ तक आर, 0 से लेके आर तक जो है वो वेरी कर रही है इसकी रेडियस। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेके आर तक वेरी कर रही है, तो हम एक्स के लिमिट क्या रख दें, 0 से लेके आर तक। ठीक है, तो रख दो आप यहाँ पर लिमिट कितनी आ जाएगी अपनी, 0 टू आर। ठीक है, अब डीएम की वैल्यू रख दे, तो डीएम की वैल्यू देखो आप कितनी है, डीएम की वैल्यू कितनी है, 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसकी वैल्यू है 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये तो हमने रखी है, किसकी वैल्यू रखी है, ये तो डीएम की वैल्यू रखी है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था ही। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 2m डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन करेंगे अपन 0 से लेके आर तक। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब और dx। तो ये आपके पास टर्म बन गई, अब ये हो गया आपके पास आई वाई वाई डैश। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है, हमें अपना आंसर मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस वाई वाई डैश हमें मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो इंटीग्रेशन देखो आप, इंटीग्रेशन आएगा आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू 2m अपॉन आर स्क्वायर, तो 2m अपॉन आर स्क्वायर, और ये एक्स क्यूब का हो जाएगा x की पावर 4 एंड डिवाइड बाय 4, और लिमिट आएगी 0 टू आर। ठीक है, तो इसको ऑल सॉल्व करते हैं, तो 2m डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये आ जाएगा r की पावर 4 एंड डिवाइड बाय 4। तो ये कैंसिल कर लो पहले, तो स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, और यहाँ से 2 2 जा 4, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास आएगा आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू mr² बाय 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क
अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ डिस्क। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास आई वाई बाई डैश इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू। तो ये तो फर्स्ट हमने सॉल्व करा, अब सेकेंड लेते हैं हम, यहाँ से सेकेंड केस लेते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ करा था सेम टू सेम है, यहाँ भी हम केस लेते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, ऑफ अ डिस्क अबाउट अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, प्लेन ऑफ डिस्क। ठीक है, तो अगर आप डायग्राम देखें तो इस तरह से हमारी डिस्क है, ये डिस्क हो गई। ठीक है, अब इसकी प्लेन के परपेंडिकुलर बनाना है हमको, तो परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से ये टेंजेंट ड्रॉ होगा, ये टेंजेंट बनाया, ये टेंजेंट को अपन कर देते पी क्यू। ठीक है, और जो इसके सेंटर से लाइन पास हो रही है, सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है, ये एक्सिस हो गई। ठीक है, ये सी हो गया, ये एक्सिस अपनी क्या थी, वाई वाई थी, तो वाई वाई डैश। तो अब आपको पता चल गया होगा ये आर इनके बीच की डिस्टेंस हो गई, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियरली यहाँ पर क्या लग रही है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग रही है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। तो हम यह लिखते हैं कि बाय बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम क्या लिखेंगे, आई पी क्यू। ठीक है, और सेंटर से जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई डैश प्लस इसका मास एम और इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब आई वाई वाई डैश आपने सॉल्व करा है, वो कितना आ रहा है, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय टू आ रहा था, प्लस ये एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लो आप, कितना बनेगा आपके पास, 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा आई पी क्यू, यानी कि जो टेंजेंट है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ डिस्क, उस टेंजेंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का, वो कितना होता है आपका, ये होगा आपका 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम थर्ड केस देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, ऑफ अ डिस्क अबाउट अबाउट डायामीटर। ठीक है, तो सेम आप जैसे रिंग के लिए हमने सॉल्व करा है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ये डिस्क बनाओ आप, ये डिस्क बनाई आपने। ठीक है, अब ये इसका सेंटर है, इससे जो एक्सिस पास हो रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो हो गई आपके वाई वाई डैश, तो ये वाई वाई डैश होगी। अब दो एक्सिसेस इसके प्लेन में अपन बनाते थे, एक एक्सिस तो ये बनाई आपने जो कि डिस्क के प्लेन में है, और एक एक्सिस ये बना दी, ये भी डिस्क के प्लेन में है। ठीक है, तो डिस्क के प्लेन में दो एक्सिसेस हो गई, ये सी पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो दोनों डायमेट्रिकल एक्सिस है, तो दोनों डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मान लेते हैं, आई डी मान लेते हैं। तो आप देखने की ये दो एक्सिस हैं जो कि इसके डिस्क के प्लेन में, और तीसरी एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या लगा सकते हो आप, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हम क्या करेंगे कि जो एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, सबसे पहले तो उसको लिख दो, तो ये हो गई आई वाई वाई डैश, और इजिकल टू ये सम के बराबर होता है जो इसके प्लेन में एक्सिस हैं उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके प्लेन में क्या है, आई डी और प्लस आई डी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 आई डी हो जाएगा। हमें आई डी निकालना है, तो आई डी इजिकल टू क्या बनेगा, यहाँ से आई वाई वाई डैश डिवाइड बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से आई डी निकाला जाए, तो आई वाई वाई डैश कितना है, ये तो एम आर स्क्वायर बाई टू है, तो ये एम आर स्क्वायर बाई कितना जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। तो ये समझ में आया आपको, तो इस तरह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा डिस्क का अबाउट डायामीटर। ठीक है, अबाउट डायामीटर ये अपना आ जाएगा सी, सी वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ केस डिस्कस करते हैं इसका। फोर्थ केस, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, ऑफ अ डिस्क अबाउट अबाउट टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ अ डिस्क, इन द प्लेन ऑफ अ डिस्क। ओके, तो देखो डायग्राम बनाते हैं अपन, तो ये बनाई आपने, डिस्क बनी अपनी। ठीक है, अब इस डिस्क के प्लेन में आपको टेंजेंट बनाना है, तो इसके प्लेन में वापस से इस तरह से टेंजेंट बना दो आप, इसको टच करता हुआ। ठीक है, ये हमने टेंजेंट बनाया,
अब इस टेंजेंट, इसको जैसे हम नाम दे दें आर एस, आर एस नाम दे दिया, इसके ऐसी एक्सिस बनानी है आपको जो इस डिस्क के सेंटर से जाए और उसके पैरेलल हो, तो ये हमने एक्सिस बनाई। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये क्या डायमेट्रिकल एक्सिस हो रही है। ठीक है, तो ये आई डी आ जाएगा यहाँ पर, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें कौन सी थ्योरम लग रही है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय बाय पैरेलल एक्सिस, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं हम, तो यहाँ लिखेंगे आई आर एस, ठीक है, इज इक्वल टू आई डी, ठीक है, और प्लस इस डिस्क का मास है और इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब आई डी हमने सॉल्व कर रखा है, तो आई डी देख लो आप, आई डी कितना आ रहा है, एम आर स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और यहाँ आ जाएगा प्लस एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा, 5/4, 5/4 एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे आ गया आर एस, जो टेंजेंट इसके प्लेन में था, डिस्क के प्लेन में, उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास कितना आया, आई आर एस इज इक्वल टू 5/4 एम आर स्क्वायर, ये हमारा डी आ गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने, आप देखें यहाँ पर, इस लेक्चर में हमने डिस्क और रिंग के लिए डिफरेंट केसेस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना लर्न करा है। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में और भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिनका कि हम लर्न करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना, जो कि इंपॉर्टेंट है और आगे जाके आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, और अगर इनमें किसी में भी कहीं पर डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखें अपने क्वेश्चन, अगर कोई डाउट है तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। ओके, सो थैंक यू, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।